देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान ने बयान जारी कर पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया है। दीवान ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में अन्य संगठनों से भारत में 28 आतंकी हमले करवाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान जत्थे को अजमेर शरीफ आने की अनुमति नहीं दे। दीवान आबेदीन अली खान ने घायल जवानों की सलामती के साथ उनके परिजनों को सब्र की दुआ की है। मैं इस हमले की कड़े शब्दों में तो निंदा करता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान उच्च आयोग जो दिल्ली के अंदर कार्यरत है, उसका कार्यालय तुरंत प्रभाव से जो है बंद किया जाकर उसको अपने देश के अंदर फौरन भेजा जाए, और भारत का जो उच्च आयोग पाकिस्तान के अंदर काम कार्यरत है उसको फौरन रिकॉल कर लिया जाए। कंसल्टेशन के लिए जैसे कि अभी बताया टीवी के ऊपर, उसके लिए किया है, वो जरूरी नहीं है। आप फाइनली उसको बैकअप करो। तीसरी सबसे बड़ी चीज है, वो आप लोग सब जानते हैं कि मार्च के अंदर विश्व प्रसिद्ध जो मेला है ख्वाजा साहब का, वो भरने जा रहा है। इसके अंदर हर साल जो है पाक जत्था आता है, उस पाक जत्थे के ऊपर बैन लगाया जाए। वो पाक जत्थे को किसी भी कीमत के ऊपर परमिशन